हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्रुतिस किचन। मैं हूं श्रुति और आज हम बनाने जा रहे हैं बर्गर। हम बनाने जाएंगे घर पे और देखते हैं कैसा बनता है, लेकिन हम बनाएंगे बिल्कुल ही बाजार जैसा। टेस्ट और रेसिपी सब कुछ हम आपको अभी शेयर करेंगे। लेट्स स्टार्ट टू मेक बर्गर। फ्रेंड्स, हमें बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए ऑब्वियसली बर्गर, जो हमने इसका कटिंग कर दिया और हमने ये मार्केट से परचेज़ किया है। और उसके बाद हमें चाहिए टिक्की, ये भी हमने मार्केट से परचेज़ करी है। अगर घर पे टिक्की बनाना चाहें वो भी हम घर पे बन सकती है, उसका मैं वीडियो डेफिनेटली डाल दूँगी। अगर घर की बनाई हुई टिक्की अगर हम बर्गर में डाल के खाना चाहें तो। अभी मैंने ये बाहर से परचेज़ की, ये इंस्टेंट रेसिपी है, जिसके लिए हमें और क्या क्या चाहिए। हमें ऐसे कटिंग में ऑनियंस चाहिए, और हमें चाहिए टमाटो, और हमें चाहिए खीरा, और हमें चाहिए बंद गोभी, जो डेकोरेशन में भी काम आएगी और टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगेगी। हमें चाहिए टमाटो केचप, और हमें चाहिए मेयोनीज़ जो बाहर मार्केट से डेफिनेटली बहुत अच्छे आजकल मेयोनीज़ आ रही है और बहुत अच्छा टेस्ट देती है। साथ में हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे और ओरिगैनो डालेंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। नॉर्मल घर की लाल मिर्च और नमक डाल के भी हमें बहुत अच्छा टेस्ट आ सकता है। और ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरी चाहिए। सबसे पहले हमें टिक्की को फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है। तो ये हमारी दो टिक्की फ्राई हो चुकी है। अब हम बर्गर को गरम करते हैं, क्योंकि यहाँ इस साइड से हमें ज़्यादा इसको राड़ना नहीं है। पंजाबी लैंग्वेज है थोड़ी सी कि राड़ना, तो आई होप यू विल ऑल डोंट माइंड। ये हमारा बर्गर, ये एक्चुअली ये लुक होनी चाहिए। तो हमारा यहाँ से भी ये बर्गर इस साइड से भी हो चुका है, तो मेरे ख्याल से ये बर्गर कम्प्लीट हो चुका है बनने के लिए। अब हम इसको, क्योंकि नॉर्मली मार्केट में हमें ज़्यादा इतने अच्छे से गर्म करके हमें नहीं दिया जाता, मतलब तवे पे सेक कर दिया जाता है, जो इतना हल्का सा गोल्डन ब्राउन होता है। तो चलिए आइए बनाते हैं हम मेन बर्गर। सो फ्रेंड्स, एट फाइनल हमारी टिक्की बन चुकी है, बर्गर हमने गर्म कर दिया है। अब हम इसमें एक एक करके चीज़ें डालेंगे, वेजिटेबल्स डालेंगे जो हमने कटिंग करके रखी है। सबसे पहले हम इसमें मेयोनीज़ डालेंगे। मेयोनीज़ के लिए मैंने एक स्पून ले लिया है मेयोनीज़। ये मेयोनीज़ हमने बर्गर के बन में इसमें अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। और ये अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मुझे। और अब हम इसके बाद डालेंगे जो हमने ये बंद गोभी के पत्ते काटे हैं। और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर दिया था, और ज़्यादा नहीं डालने, थोड़े से, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल ही ये बंद गोभी के पत्ते या जो भी हम अमेरिकन जो आजकल आते हैं अलग तरीके से, ये नहीं पसंद करते, तो ये स्किप मतलब कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और मैंने बिल्कुल ही पतले खीरे गोल गोल कटिंग में डाले हैं, तो हम इसमें ये खीरा डालेंगे। और कितनी इजी रेसिपी है ये, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब हम डालेंगे इसमें टमाटो। ये हमने टमाटो के 4 स्लाइसेस ऐसे काट के मैंने इसमें डाल दी। और अब हम इसमें मेन टिक्की हमारी इसमें डालेंगे। और अब फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने प्याज नहीं डाला, तो हम प्याज सबसे पहले यहाँ पर हम इसमें मेयोनीस लगाएंगे थोड़ी सी, और ये हमने थोड़ी सी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं।
और इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे सॉस। सो फ्रेंड्स, अब हम इस बन में डालेंगे थोड़ी सी सॉस, हल्की सी, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, और इसको इसके साथ ही हल्का सा स्प्रेड कर देंगे ऐसे, और बिल्कुल ही मार्केट जैसा टेस्ट आएगा। आप मतलब मुंह में इतना वाटरिंग हो जाएगा खाते हुए कि आप कहेंगे वाह, घर में इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है तो बाहर से क्यों परचेज करना। तो अब हम डालेंगे इसमें ऑनियन, हमारे ऑनियन ये रहे ऑनियन, पतले पतले मैंने इसको ऐसे राउंड में कटिंग करी है, और हर चीज़ थोड़ी थोड़ी अच्छी लगती है तो मैंने इसमें ऑनियन डाल दिया। अगर किसी को अगर थोड़े और डालने हो तो डेफिनेटली डाल सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि कम इतना ही डालना है जितना मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हमारी ये टिक्की सेकंड लास्ट रेडी है। सेकंड लास्ट इसलिए क्योंकि अभी मैं इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स स्प्रेड करूँगी, ये मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए। अब मैं इसमें डालूँगी ओरिगैनो, टेस्ट अच्छा आता है, एक बार ट्राई करके देखिएगा। ये मैं डाल रही हूँ इसमें, हम इस वाले ब्रेड पे भी डाल सकते हैं। ये मैंने डाल दिया और मैंने इसको कर दिया बंद, और अब हम इसको करेंगे बंद। ये हमारा बन गया फाइनली बर्गर, ये देखिए कितना टेस्टी और यमी और वेजिटेबल्स फुल लग रहा है, ये बहुत यमी लग रहा है। इसको आप सॉस के साथ या ग्रीन चटनी के साथ या मेयोनीज के साथ, आजकल लोग मेयोनीज के साथ भी इसको अलग से खाते हैं। तो ये मेरा बर्गर फाइनली बन चुका है, और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये एक्चुअल में कैसा बना है। चलिए आइए। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा बर्गर बन चुका है और बिल्कुल ही मार्केट स्टाइल बना है, डेफिनेटली 100% श्योर। चलिए आइए इसको टेस्ट करके देखते हैं। मैं हर बार कुछ भी बनाती हूँ, और मैं फ्रेंड्स हर बार कुछ भी बनाती हूँ और मैं खुद ही कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो लेट्स थोड़ी सी, मतलब ऐसे इतना बड़ा है ना खाने में, थोड़ा सा लगता है कि कहीं कुछ गिर ना जाए खाते खाते। तो लेट्स स्टार्ट टू ईट दिस। मैं इसको प्लेट को यहीं ऐसे रख देती हूँ। यम्मी, बिल्कुल बाहर के जैसा टेस्ट है, गरम गरम मज़ेदार। सीरियसली ऐसा लग रहा है मैं बाहर का ही परचेज करके खा रही हूँ। मैं इतना क्विक बनने वाला है, पर एक ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, इतना मुश्किल से 5-6 मिनट्स लगे हैं। सारी चीज़ें बस कटिंग करके वेजिटेबल्स इसमें डालने हैं और टिक्की डालनी है, और बहुत टेस्टी है। मेयोनीज का इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है। लेट्स ईट वन मोर बाइट। सो फ्रेंड्स, ये मैंने बनाया बर्गर और बहुत टेस्टी है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो और घर का बना हो बर्गर, तो डेफिनेटली आप मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कुछ इसमें कमी लगती है या फिर अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको आप कमेंट करके मुझे बताइए। और ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी, आप अपना सपोर्ट दिखाइए मुझे, मैं डेफिनेटली बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूँगी अलग अलग स्नैक्स की, जो बड़ी जल्दी बन जाए और शाम में जो हमें हल्की सी क्रेविंग होती है वो हमारी फुलफ़िल हो जाए। थैंक यू, सब्सक्राइब करें।